इंडिया कोई दुनिया को प्यारा नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट होते हैं मुल्कों के आपस में। अब फ्रांस के इंडिया के साथ इंटरेस्ट हैं, वो उधर से वो जंगी सामान भी तैयारी वगैरह भी खरीदता है, कोई और अदर चीज़ें भी खरीदता होगा, आपस में मीशत का कंटेक्ट होता है, इसलिए वो मुल्क एक दूसरे को फेवर करते हैं। मेरे ख्याल में यही रीज़न होगी। अदरवाइज़ जो कंट्रीज़ होते हैं रिलेशन, वो ये नहीं होता कि इंडिया उनको बहुत प्यारा है या पाकिस्तान नहीं प्यारा, ये इकॉनमी पर डिपेंड करता है, तजारत पर डिपेंड करता है। एक तो मुसलमान है वहाँ पर मिनोरिटीज़, तो वो कोई अपना इतना रिएक्ट शो नहीं कर पाते। दूसरा जो उनका मीडिया है वो अपना हमेशा पॉजिटिव एज दिखाता है, जबकि हमारा न्यूट्रल इशू होता है, हम लोग हमारे एंड पे होता है, तो हम लोग देख रहे हैं कि यार इसमें ये प्रॉब्लम है, तो हम न्यूट्रली उसको अपने कमेंट्स करते हैं। पाकिस्तानी जो है इस वक्त थोड़ा सा ना परेशान बैठे हैं इधर, कि पाकिस्तान हमेशा से अमरीका के कैंप में रहा है, हमेशा से, जब से पाकिस्तान बना शुरू से ही, सीटो सेंटो, उसके बाद में फिर वो अब जाकर हमें कुछ ऐसे फील हो रहा है कि हमें अमेरिका जो है वो उसने हमें इस्तेमाल करके एक साइड पे फेंक दिया है। इस वक्त फ्रांस की जो मौजूदा सूरत हाल है, उन्होंने जो है तुर्की, पाकिस्तान समेत कई अरब ममालिक के जो मुसलमान हैं उनके वीज़ाज बैन कर दिए हैं, लेकिन ख़ासकर अगर हम बात करें इंडियन मुस्लिम की, तो उन्होंने कहा है कि वो वहाँ पर जा भी सकते हैं और वहाँ पर जाकर रह भी सकते हैं। देखें, वो उधर रिसेंटली वो जो थाने में वो एक नौजवान को तशद्दुद करके मारा गया है, और वो एक सिविलाइज कंट्री है, उधर इत्तेजाज का हक है कि वो इतनी करते हैं, यानी कि लोगों की हर बंदे के हकूक हैं, उस वजह से हो रहे हैं। लेकिन उसकी वजह से कुछ जो कुछ लोगों के कुछ मुल्कों की होती होगी जो अब अनलीगल गए हैं, पाकिस्तानी हो या तुर्की, क्योंकि हम हैं वीक मुल्क हैं, यहाँ से लोग अनलीगल रोज़ी के सिलसिले में जाते हैं, तो वो उन्होंने की कोई जनसियों का कोई इशू होगा और उन्होंने इस पर इसलिए पाबंदी लगाई होगी। और अदरवाइज़ फ्रांस में लीगली पाकिस्तान भी पढ़ने जाते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी भी हैं, मेरे ख्याल में उन पर तो कोई इसका इशू नहीं है। इंडिया कोई दुनिया को प्यारा नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट होते हैं मुल्कों के आपस में। अब फ्रांस के इंडिया के साथ इंटरेस्ट हैं, वो उधर से वो जंगी सामान भी तैयारी वगैरह भी खरीदता है, कोई और अदर चीज़ें भी खरीदता होगा, आपस में मीशत का कंटेक्ट होता है, इसलिए वो मुल्क एक दूसरे को फेवर करते हैं। मेरे ख्याल में यही रीज़न होगी। अदरवाइज़ जो कंट्रीज़ होते हैं रिलेशन, वो ये नहीं होता कि इंडिया उनको बहुत प्यारा है या पाकिस्तान नहीं प्यारा, ये इकॉनमी पर डिपेंड करता है, तजारत पर डिपेंड करता है। इंडिया इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी के लिहाज से मुल्क भी है, और इकॉनमी भी, इकॉनमी है तीसरी, चौथी, पाँचवीं बड़ी इकॉनमी है, और लोगों का उधर तजारत ज़्यादा है, इसलिए उधर वो इतना जितना पाकिस्तान पे प्रेशर रखते हैं, इंडिया पे उतना प्रेशर नहीं रख सकते। पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका के कैंप में रहा है, हमेशा से, जब से पाकिस्तान बना शुरू से ही, सीटो सेंटो, उसके बाद में फिर वो अब जाकर हमें कुछ ऐसे फील हो रहा है कि हमें अमेरिका जो है वो उसने हमें इस्तेमाल करके एक साइड पे फेंक दिया है, और इस वक्त इंडिया के साथ अपनी जो है वो दोस्ती को ज्यादा बढ़ा रहा है। पहले भी ऐसे होता था कि अमेरिका इंडिया की तरफ उसका झुकाव होता था, लेकिन पाकिस्तान को इग्नोर नहीं करता था, लेकिन अब हमें फील हो रहा है कि जैसे हमें बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। तो इसकी वजह क्या है कि अमेरिका ने ऐसा पाकिस्तान के साथ किया क्यों, कि इसको इस्तेमाल करके फेंक दिया, या क्या इसके पीछे आप समझते हैं कि वजह क्या है इस सारी, जो हमें जो फील हो रही है पाकिस्तान में बैठ के, कि अमेरिका हमें इस वक्त नज़रअंदाज कर रहा है। देखिए, अमेरिका से अगर मैं पाकिस्तान के लोगों से पूछूं कि आप अमेरिका से दोस्ती क्यों किए, जब आप 1947 में आज़ाद हो गए, आपको अपने सारे डिसीजन लेने का पूरा फ्री चॉइस था, फ्रीडम थी कि आप जो चाहें वो करें, और आपने जो चाहा वो किया, आपने अमेरिका से दोस्ती क्यों की? आपने रशिया को क्यों नहीं चुना? दूसरी जो ताकतें थीं आपने उनको क्यों नहीं चुना? तो दोस्तों, एक बार हमने पाकिस्तानी को बहुत ही शानदार वीडियो रिएक्शन लेकर दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो फ्रांस है, वो जो वहाँ की सरकार है, वो पाकिस्तान और अरब मुस्लिम जो है कि उन्हें वीजा देने से मना कर रखा है। और वहीं बात आ जाती है हमारे भारत की दोस्तों, तो वहाँ उसकी गवर्नमेंट जो साफ मतलब बोली है कि जो भारत की स्टूडेंट हैं और मुसलमान हैं, उन्हें कोई भी प्रकार की मतलब आपत्ति नहीं होगी हमारे देश में। आप सभी को बता दें कि इसमें फ्रांस में जो है कि कुछ उनका इंटरनल प्रॉब्लम चल रहा है, जिससे उनकी मतलब कुछ जगह जो ज़मीन है उसे मतलब लेने की कोशिश की जा रही है, कुछ भी हो रहा है दोस्तों। और इस पर जो सरकार है वो पाकिस्तान की खासकर कि उस पर बैन लगा दिया है, क्योंकि जितनी मुसलमानी देश हैं उन पर बैन लगा दिया है, कि क्योंकि ये लोग यही करते हैं दोस्तों कि दूसरे को जो ज़मीन है उसे मतलब लेने की कोशिश करेंगे, और मतलब
बहुत बड़े बड़ी गद्दारी करते हैं, आप सभी को पता होगा इन्हें कोई भी राम नाम की चीज़ नहीं होती। इस पर पाकिस्तान के दोस्तों लोग हैं कि क्या बोलते हैं कि भारत को आने दे रहे हैं और अरब जो मुस्लिम है और हमें उसको बैन रखा है। चलो दोस्तों वीडियो को देखते हैं, अगर पहली बार चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। मुसलमानों के वीज़ा बैन कर दिए हैं और इन्होंने इंडिया के साथ दोस्ती निभाते हुए कहा कि इंडिया के मुसलमान वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर रह भी सकते हैं। क्या कहेंगे, इतना बड़ा वैल्यूज़ का फ़र्क क्यों इंडियन मुस्लिम्स में और बाकी कंट्रीज़ के मुस्लिम्स में? असल में इंडिया की शुरू से पॉलिसी यही है कि वो जहाँ भी अपने बेनिफिट देखता है तो वो इन्वॉल्व हो जाता है। उससे ये नहीं होता कि कहीं भी इंसानियत की, इंसानी ह्यूमन रिलेशन की या किसी की भी वायलेशन हो रही हो, वो इस पर देख ही नहीं रहा होता। वो तो अपने बिजनेस को देख रहा होता है कि हमारा किस में लॉस है, किस में प्रॉफिट है, वो जस्ट लाइक ए बिजनेसमैन। इंडियंस कहीं भी चले जाएं, उनकी कंट्री का, उनकी गवर्नमेंट का उनको पीछे से फुल सपोर्ट होता है। अब यूक्रेन और रशिया की वॉर का मामला देख लें, किस तरह इंडिया ने अपने लोगों को वहाँ से निकाला। हमारे स्टूडेंट वहाँ पर स्टक के स्टक रह गए, फाइनली उन्हें इंडिया का झंडा इस्तेमाल करते हुए अपनी जान को वहाँ से बचाना पड़ा और हमारी गवर्नमेंट ने उनके लिए तब भी कुछ नहीं किया और अभी भी हमारी गवर्नमेंट खामोश है। देखें, ये तो आप आए दिन खबरें भी आप देखती हैं, बहुत से जो लोग बाहर के मुल्कों में रह रहे हैं, बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी बसर गुसर बसर कर रहे हैं, यहाँ से अपने वालदैन के प्रॉपर्टी जेवर बेच के जाते हैं वहाँ पे और वहाँ जाके रोज़गार ढूंढते हैं, वहाँ भी रहने के खर्चे ये वो। लेकिन बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है ये चीज़ देख के कि जो पाकिस्तानी है वहाँ पर इंतहाई परेशान है। 1947 में आज़ाद होते हैं, भारत से भी आज़ाद, मतलब भारत से अलग होते हैं, आज़ाद तो आप थे ही, कभी आपको गुलाम बनाया ही नहीं गया। तो आप 1947 में भारत से अलग होने के बाद, भाई आप अगर ये हंसने की बात नहीं, मुस्लिम लीग ने 1905 की अपनी जो जब वो बनी उसमें लिखा था कि वी आर हियर टू। तो भाई यहाँ पाकिस्तान में ये क्यों योम आजादी क्यों मनाया जाता है? यहाँ पर बड़े धूमधाम से योम आजादी मनाया जाता है। पूरी पाकिस्तान जो अगर आबादी पाकिस्तान की 22-23 करोड़ है तो 22-23 करोड़ ये कहते हैं कि हम आजाद हुए। आप लोग कहते हैं कि नहीं जी आप हमसे अलग हुए, तो ये क्या इसमें असल हकीकत क्या? चले इधर भी पहले बात कर लेते हैं। आप किससे आजादी लिए? आपने अपनी कल्चर से आजादी ली कि हम हिंदू नहीं है? दुनिया की एकमात्र कौम है आप ना, आप कि हम हिंदू नहीं, आपको कल्चर से आजादी मिल गई, आप सेलिब्रेट करते हैं। वरना 1905 का मुस्लिम लीग का वो उठा के पड़े भाई, वो कह रहे हैं कि वी आर हियर टू सपोर्ट द ब्रिटिश क्वीन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द मुस्लिम इंटरेस्ट इन इंडिया। हम तो ब्रिटिश शासन के फेवर के लोग हैं, हम आपको पढ़िए तो पढ़ के सुना देंगे। अगर आप उसके बाद भी कह रहे हैं कि अगर आपकी, अगर आपने अपने जो इतिहासकारों से पूछे कि अगर आपने ब्रिटिश गवर्नमेंट से जद्दोजहद की तो आजादी कैसी मिली आपको, अपने लोगों से, आपको किससे आजादी मिली? ब्रिटिशर से आजादी मिली? आप क्या बन के ब्रिटिशर से आजादी, आप ब्रिटिशर से क्या बन के लड़ रहे थे? आप इंडियन बन के लड़ रहे थे? अगर आप इंडियन बन के लड़ रहे तो फिर आजादी कैसी हुई? आपके यहाँ पे लोग हैं जो पढ़ते लिखते नहीं है, सोचते नहीं है, लिख देते हैं। अगर आपने ब्रिटिशर से लड़ाई ली, आजादी ली, तो आप ब्रिटिशर से क्या बन के लड़ रहे थे? पाकिस्तानी? पाकिस्तान तो था ही नहीं। तो जब आपके लोग, कुछ लोग कांग्रेस में थे, कुछ लोगों ने अपनी पार्टी बनाई हुई थी, और कब मुस्लिम लीग की स्थापना के समय ये था कि हमें पाकिस्तान लेना है, वो तो फिर धीरे धीरे कारवां बदलता गया, लोग बनते गए।